सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के लेटेस्ट अपडेट के लिए और हिंदी डबिंग न्यूज के लिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग स्पाइडरमैन की थर्ड इंस्टॉलमेंट नो वे होम की सेकंड ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इस बारे में कुछ अपडेट्स निकल के लाई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनी पिक्चर ने इस मूवी की जो ऑफिशियल पोस्टर है उसे अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पब्लिक कर दिया है। और अगर आप इस पोस्टर को गौर से देखेंगे तो आपको इस पोस्टर में ग्रीन गोब्लिन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी जो सेकेंड ट्रेलर में ग्रीन गोब्लिन का जो फर्स्ट लुक है उसे रिवील कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सेकेंड ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगी, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो अभी अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इसकी जो हिंदी ट्रेलर की जो डबिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि बहुत ही जल्द आपको इसकी जो सेकेंड ट्रेलर है वो देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसकी जो सेकेंड ट्रेलर है वो इसी वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये भी कंफर्म है कि इसकी हिंदी तमिल तेलुगु डब वर्जन की जो ट्रेलर है वो एक साथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें इस मूवी में टॉबी मिगवेल और एंड्रयू गारफील्ड देखने को मिलेगी या नहीं, तो उन्हें बता दो कि इस बारे में अभी जो फुल्ली कंफर्मेशन है वो ऑफिशियली नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक चांसेस ज़्यादा है कि इन दोनों की जो अपीयरेंस है वो इस मूवी में हो सकती है। क्योंकि गाइस, नो वे होम बेस्ड है मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे, जिसका मतलब है कि मल्टीपल स्पाइडरमैन आपको इस मूवी में जरूर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इनका रोल है वो कोई और कास्ट करे। तो इन सवालों को जवाब हमें तो इस मूवी को देखते समय ही पता चलेगा। वैसे ये मूवी रिलीज होने वाली है 17 दिसंबर को, यानी अगले महीने। और ये मूवी हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ इंडियन थिएटर में 17 दिसंबर को रिलीज होगी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।